आज हम बैक बोट निकुलास की बहुत ही सुंदर डिजाइन आप लोग के साथ शेयर करेंगे, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे कि इसको कैसे रेडी किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। हाय, मैं स्वस्ति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो ब्लाउज का जो लेंथ है 15.5 इंच ले लेंगे और कमर 34 रेडी चाहिए, उसका तीसरा भाग ले लेंगे, तो लगभग 11.5 इंच ले लेंगे और चेस्ट भी 11.5 इंच ले लेंगे, शोल्डर 7.5 इंच, नेक की जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच ले लेंगे, आर्म होल 6 इंच और आर्म गोलाई जो है वो 1.5 इंच ले लेंगे। अब 4.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे टच पॉइंट के लिए और यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा देंगे। और ये जो मेन फैब्रिक है उसकी भी कटिंग हो चुकी है, तो इसका जो डिजाइन बनाएंगे वो हम पेपर पेस्टिंग पे कटिंग करेंगे। तो या तो अलग अलग पहले पेपर पेस्टिंग पे कटिंग करके फिर कपड़ा डाल के इसको रेडी किया जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको इस तरह रेडी करना है तो आप ऐसे भी रेडी कर सकते हैं। तो इसका जो पेपर पेस्टिंग है मेन फैब्रिक है दोनों को हम फेस करके चिपका दिए थे, और जो नेक की चौड़ाई 3.5 इंच थी वो ले लेंगे और नेक की लंबाई भी 3.5 इंच ही ले लेंगे। और नेक का जो टोटल लेंथ है वो 10 इंच ले लेंगे, तो 3.5 इंच उसमें से माइनस हो जाएगा और नीचे से नेक की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच ले लेंगे। तो अब हम इसमें डिजाइन ड्रॉ करेंगे, तो आपको जो डिजाइन पसंद है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह हम इसमें डिजाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद में कटिंग करेंगे। तो देखिए ये डिजाइन बना के रेडी करना, तो लगभग 1 इंच का मार्जिन लेते हुए चारों तरफ से हम ये मार्क कर देंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जैसे जैसे मार्क किया हुआ है ठीक उसके ऊपर हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए इसकी डिजाइन की जो है वो कटिंग हो गई है। अब 1 इंच जो हम एक्स्ट्रा करके लिए थे मार्क किए थे, अब हम उसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हम ओपन करके दिखा रहे हैं, तो ये डिजाइन इस तरह दिखेगी और बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर डिजाइन बन के रेडी हो जाएगी। तो अब इसको हम साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेंगे, तो ये पेपर पेस्टिंग है ना उसी के साथ हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। तो आज हम एकदम अलग तरीका आपको बता रहे हैं कि इस तरह भी रेडी हो सकता है। ऐसे नॉर्मली तो पेपर पेस्टिंग पे कटिंग करके फिर लाइनिंग के कपड़े पे डालते हैं और प्रेस करने के बाद फिर डिजाइन बनाते हैं, लेकिन आपको ऐसे करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो बीच बीच में थोड़ा सा कट लगा देंगे ताकि जब हम फोल्ड करेंगे ना तो थोड़ा भी सिकुड़ेगा नहीं। तो अब ये जो है हम ये दोनों को अटैच कर लेंगे, लाइनिंग का कपड़ा और जो मेन फैब्रिक है वो दोनों को, और उसके बाद हम डिजाइन बनाएंगे। तो इस तरह एकदम आराम से बैठा बैठा के उसके बाद सिलाई करते जाएंगे, नहीं तो क्या अंदर से सिकुड़ जाएगा, फिर वो पहनने के बाद अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट के हटा देंगे।
तो अब हम इसको फोल्ड कर देंगे, ये देखिए इस तरह एकदम बराबर करके, और इसके सेंटर में मार्क कर देंगे चौक से, और बीच में एक छोटा सा कट भी लगा देंगे। तो ये देखिए ये जो डिजाइन है उसका सेंटर और जो ब्लाउज का है उसका सेंटर, दोनों को मिलाते हुए सबसे पहले हम सीधा सिलाई लगा लेंगे जैसे और सब में लगाते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे कटिंग किया हुआ है ठीक उसके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो आप देख सकते हो जहाँ से हम सिलाई शुरू किए थे फिर वहीं से दूसरे साइड के लिए सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए पूरा में सिलाई लग गया है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जो पेपर पेस्टिंग है ना उसे थोड़ा सा अलग हटके, तो हम लगभग आधा इंच का गैप देते हुए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए लगभग पूरा की कटिंग हो गई है, अब बीच बीच में हम थोड़ा सा कट लगा देंगे। और उसके बाद हम इसको सीधा कर देंगे। और सीधा करने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह इसमें सिलाई कंप्लीट हो गया है। तो अब इसमें हम ये जो टक्स बचा हुआ है पहले टक्स लगा लेंगे। तो 4.5 इंच का इसका लेंथ ले लेंगे टक्स का। तो हम नीचे साइड में पाइपिंग लगा देंगे। तो पाइपिंग हम गोल्डन के कपड़े का यूज कर रहे हैं, तो गोल्डन कलर का कपड़ा का पाइपिंग बना लेंगे और वही लगा देंगे। तो हम बहुत सारे वीडियो में आपको बता सकते हैं कि पाइपिंग कैसे बनाया जाता है, तो आप पीछे वाले वीडियो में भी देख सकते हैं। तो ये देखिए इसको उल्टा तरफ मोड़ देंगे और ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे। तो इस तरह इसमें पाइपिंग लग के कंप्लीट हो गया है। तो अब इसमें हम पहले तो अभी हम फिलहाल में इसको ज्वाइन कर देते हैं और बाद में इस पर हम एक डोरी का लूप्स लगा देंगे और एक सो बटन लगा देंगे जिससे ये बहुत ही सुंदर डिजाइन बन के रेडी हो जाएगी। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए इसमें हम एक सो बटन लगा दिए हैं और एक डोरी लगा दी है छोटा सा, ताकि इसमें बटन अगर आप चाहें तो इसको खोल सकते हैं। तो आप लोग को ये डिजाइन कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप सब ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो आप सबसे फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ।